में से 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 90 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। उन्होंने 140 का स्कोर किया था, 140 प्लस के स्कोर किया था। उन लोगों की हालत क्या थी कि उनमें से जितना हाई उन्होंने किया ना, उतने वो ज़्यादा रिस्क में आ गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से 35 क्वेश्चन भी रॉन्ग हुए हैं, 35 से 40 नंबर कम हो गए। उनकी हालत ये हो गई कि वो 100 के भी अंडर के अंदर आ गए हैं। नॉर्मली 20 क्वेश्चन तो सबके रॉन्ग हुए हैं। तो इसको जो लोग डरा रहे हैं ना कि 120 क्वेश्चन जिसने किए हैं या फिर 220 प्लस कट ऑफ जाएगी, 215 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं। रीट का रिजल्ट आने के बाद में धड़कनें बढ़ चुकी हैं, अब एक नई उम्मीद भी अंदर से जग रही है और एक डर भी सता रहा है कि आखिर हमारा क्या होगा। आपने भी पटवारी का एग्जाम दिया था तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। एक एक चीज मैं कवर करने वाला हूं कि आखिर कट ऑफ पहले जो जिन भी टीचर्स ने आपको 23 और 24 अक्टूबर को एग्जाम देने के बाद में जो कट ऑफ बताई थी, हालांकि मैंने भी और बहुत से गुरुजन ने बताई थी, उन बातों को अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 दिन हो चुके, यानी कि एक सप्ताह बीत चुका। उसके बाद में एक नई कट ऑफ को लेकर के एक उम्मीद है, वो क्या सर? 5-7 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ चेंज हो जाए? बिल्कुल, बहुत कुछ बदल चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 10 से 12 नंबर तक कम हो रहे हैं लोगों के, ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। ध्यान से देखिएगा, जब आप 23 से 24 अक्टूबर को एग्जाम देके आए थे, कोई भी बच्चा था, कोई भी स्टूडेंट था, वो फैक्ट बता रहा हूं जो आपने खुद ने रियलाइज किया। अगर आपको सच्चाई लगे तो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। 1 लाख फैमिली जल्द होने वाली, या तो आज ही या फिर आप जब तक इस वीडियो को देखें तब तक कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो इसका पार्ट जरूर बनेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपको पता है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली कुछ डेटा के अंदर बात करते हैं कि 15 लाख समथिंग कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने यहां पे एनरोल किया था पटवारी के लिए। उनमें से अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, कि 15 लाख कैंडिडेट ने एनरोल किया था, 55% समथिंग कुछ अटेंडेंस थी यहां पे। ओवरऑल मैं बात करूं कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह 10 लाख बता रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 8 लाख समथिंग कैंडिडेट ने एग्जाम दी थी। अब इन 8 लाख में से कुछ डेटा है वो एक एक फैक्ट के साथ बताऊंगा। 8 लाख में से आप ये भूल जाइए कि 3 लाख जो कैंडिडेट थे ना, 3 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो कि अधिकतर ऐसे थे जो कि एज से कुछ ऊपर थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती, जो काम करते हुए एग्जाम दे रहे थे, तो उनकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं हो पाई थी। उन्हें लगा था कि हम एग्जाम में फॉर्म भरा है तो हम इसके एग्जाम देके आए, तो 3 लाख इन कैंडिडेट को भूल जाइए, ठीक है? ये वो कैंडिडेट थे जो प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए, बस फॉर्म भरा था और एग्जाम दे करके आए थे। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ राउंड फिगर में, तो 5 लाख कैंडिडेट मेरे पास बसते हैं। 5 लाख में से 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट, ध्यान से समझिएगा, 5 लाख में से 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे। ये सब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो बच्चों से मेरी बात हुई है उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 5 लाख में से 2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 90 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है? 90 से 95 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, इस तक थे, 90 क्वेश्चन तक थे। अब उनमें से आपको पता है कि हर एक स्टूडेंट के 20-30 क्वेश्चन तो गलत होते ही होते हैं, ठीक है? कोई भी महारथी हो तो यहाँ पर वाला जो 90 के आसपास में था उसके 20 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 70 पैसे आ गया, और माइनस की बात करो 7 क्वेश्चन और चले गए, मतलब वो 60-65 पे जाकर के अटक गया। अब इनमें से कई कैंडिडेट ऐसे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, STSC के हैं तो वो कहीं ना कहीं श्योर भी हो सकते हैं, सिक्योर भी हो सकते हैं, कोई वीडियो रिवर्स है वो सिक्योर भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर कैंडिडेट ऐसे, अगर वो जनरल और OBC के हैं तो यहाँ पे मात खा जाएंगे, इतने मार्क्स में उनका नहीं होगा, तो ये बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 2.5 लाख को छोड़ दीजिए। अब मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिशन कहाँ पर है 2.5 लाख कैंडिडेट के अंदर है, ध्यान से समझिएगा। इन 2.5 लाख में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की और कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं की। अब यहाँ पे पहले रीट इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि 2.5 लाख कैंडिडेट हैं, ठीक है? 2.5 लाख कैंडिडेट हैं, मेरे पास पोस्ट कितनी है, चलिए मैं राउंड फिगर में अगर मैं बात करता हूँ 5,04,000, ठीक है, 5,400 पोस्ट में मान लेता हूँ, थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5,400 में भाग देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने स्टूडेंट आते हैं राउंड फिगर में, 46 एक सीट के ऊपर है, ठीक है? ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इनमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 140 का स्कोर किया था, 140 प्लस के स्कोर किया था, बहुत ऐसे बोल रहे 140 प्लस, मतलब ट्यूशन करना अलग बात है, स्कोर करना अलग बात है। उनमें से उन लोगों के, ध्यान से समझिएगा, आप डर रहे थे ना कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो समझिएगा उन लोगों की हालत क्या थी कि उनमें से जितना हाई उन्होंने किया ना, उतने वो
ज़्यादा रिस्क में आ गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से 35 क्वेश्चन भी रॉन्ग हुए हैं और 25 वाले क्वेश्चन जिनके 25 से 27 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। तो ये मान के चलिए अगर वो 25 से 27 आगे 9 क्वेश्चन बीच में आ गए तो उनके सीधे से 35 से 40 नंबर कम हो गए, उनकी हालत ये होगी कि वो 100 के भी अंडर के अंदर आ गए हैं। ये रियल फैक्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं नॉर्मली 20 क्वेश्चन तो सबके रॉन्ग हुए हैं। तो इस तरीके से अगर वो पीछे भी आते हैं ना तो 120 स्कोर जा मैंने पहले भी बताया था वो आपका बेस्ट स्कोर था। अगर इससे आगे आप गए और 120 भी जिन्होंने किया है उनके भी 10 से 12 क्वेश्चन तो गलत हुए हैं दोस्तों, इतना से समझिएगा। तो अगर 120 क्वेश्चन जिसने किए अगर उसके 12 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं तो 12 तो वो चले गए और 4 नंबर वो मतलब 16, ठीक है ध्यान से समझिएगा, तो 104 पर वो आ गया। तो आपको जो लोग डरा रहे हैं ना कि 120 क्वेश्चन जिसने किए हैं या फिर 220 प्लस कट ऑफ जाएगी, 215 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं। इनफैक्ट को अच्छे से समझिएगा, 20 से 25 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के गलत हुए हैं। और आप जब वहां पे बता रहे थे ना कि 120 किए, जब आप एग्जाम देके आए 125, अब तक जितने भी गुरुजनों ने आपको कट ऑफ बताई ना उसी बेस पे बताई, क्योंकि आप लोग जो हमें डेटा प्रोवाइड करवाते हो उसी बेस पे गुरुजन समझते हैं कि इतने बच्चे इतने इतने बोर्ड है तो इतनी तो जाएगी, उनमें से भी थोड़ा एडजस्ट करके वो लोग बताते हैं। लेकिन अभी 7 दिन बाद में जिन बच्चों से बातचीत हुई जिन्होंने अलग अलग चैनल से अपनी आंसर की मिलाई है, तो उनकी मैं बात करूँ अभी तो आपको जो बच्चे ऐसे सोच रहे कि अंडर 100 क्वेश्चन है ना वो घबराइए मत, ध्यान से समझिएगा, एक पॉजिटिविटी अंदर लाइए। दिवाली का टाइम खुश रहिए यार, क्योंकि आप मुस्कुराते रहिए, आप मेसर के साथ हैं। जो 100 के अंडर में जिनके 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एसटीएससी कैंडिडेट हैं जो भी, उनके भी अपनी कैटेगरी के अनुसार उनके क्वेश्चन कम हो रहे हैं, वीडियो कैटेगरी एक सर्विस में है, टेंशन न लीजिए। जब आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं ना उनके क्वेश्चन, अगर थोड़े से ज़्यादा अगर गलती से सही हो रहे हैं ना तो वो अगर वो डाउन आएंगे, और आपके कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा था कि सही है, अगर वो ऑफिशियल आंसर किसी सही होते तो आप यहां इसके आसपास आ जाएंगे। तो राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं कि सर अब कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, पहले ये फैक्ट आप समझ लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चन अधिकतर के सही हुए हैं, जो 130 से ऊपर क्वेश्चन करके आया उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत भी हो रहे हैं। 30 से 35 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान में वो ही है। जो दोस्त आपको एग्जाम से निकलते वक्त बताया था कि मैंने 140 क्वेश्चन के 135 क्वेश्चन किए, उनकी हालत भी टाइट हो रखी है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो। और आपको लग रहा है ना कि पेपर बहुत ईजी था लाडलो, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, पेपर ईजी था या नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन लोग इसी हवा में रह गए। कई लोगों को ऐसे लगा मेरा 23 को था, जिनका 24 को था उनको फ़ायदा मिल गया, नहीं, जो हवा में उड़ रहे थे वो उड़ ही रहे थे, तो इसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब अगर मैं नॉर्मली मैं बात करता हूँ ना जनरल मेल की कट ऑफ की बात करता हूँ, देखिए अभी ये फाइनल नहीं है, कल को आप बताओ, लेकिन जिन बच्चों से मेरी बातचीत हुई है जितने लेवल तक आप पहुंचे हो उसके बाद में ये जो आप 210 से ये चल रहे थे, मैंने पहले भी आपको 104 क्वेश्चन कुछ बताए थे, याद होगा आपको 104 क्वेश्चन कुछ बताए थे, यानी कि आपको 208 समथिंग कुछ बताई थी। अगर आप, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अगर मैं जाता हूं कि जनरल का कैंडिडेट है 205 के भी आप 2-3 नंबर आगे पीछे हैं, 205 के अगर 2-3 नंबर आप आगे पीछे हैं ना तो भी आप सिक्योर हैं, अभी तक सेफ है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रीट का इफेक्ट कहां पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप अगर 200 के आसपास भी प्लस माइनस हैं तो आप सिक्योर हैं, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये कट ऑफ मैं अभी जितने बच्चों से बात हुई उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कुछ अपडेट होगा मैं बताऊंगा। तो दिवाली पे आराम से खुशियां मनाइए। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो पहले मैंने आपको इतनी ईडब्ल्यूएस की बताई थी, लेकिन इससे थोड़ा सा कम आ जाइए आप अगर, ठीक है, 199 या 200 से प्लस माइनस कर लीजिए इतना है। और अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंदर है अगर आप 195 प्लस माइनस भी है तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, इतने तक आप सिक्योर हैं। हाँ मानता हूँ 500-700 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 120 से प्लस भी होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये 1/3 वाला डंडा जब चलेगा ना तो हालत ख़राब कर देगा। एक बात बताइए, रीट के कैंडिडेट के माइनस मार्किंग नहीं थी फिर भी उनकी हालत ख़राब हो रखी है कि वो 110-115 तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तो ये 230 तक 220 तक कैसे पहुंचेंगे? माइनस मार्किंग भी तो आएगी या नहीं आएगी? मानते हो नहीं मानते इस बात को? अगर एग्री करते तो एक लाइक करके यहाँ पे एक कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये सही बात है, क्योंकि हमने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, इसके आसपास ही आप रहेंगे, 202 नंबर के आसपास भी प्लस माइनस हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 100 के आसपास भी हैं तो भी आप अपने आप को सिक्योर मानिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 100 क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 200 मार्क्स के आसपास में है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ये एमबीसी के कैंडिडेट को भी अगर आप यहाँ से इसमें 1-2 नंबर भी कवर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मैं यहाँ आपके 200 या फिर 199 2-3 नंबर यहाँ पे 3 नंबर प्लस माइनस लेकर के चलिएगा, यही फीमेल कैंडिडेट है तो 192 प्लस माइनस लेकर के चलिएगा,
ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो ध्यान से समझिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, समझिएगा ये पॉइंट आपको कहीं पे, कहीं आप घबराहट में आसपास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मैं राउंड फिगर में बात करूँ, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 192 तक भी हैं, 192 से प्लस माइनस मतलब 192 से 195 तक हैं तो आप यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ज़्यादा भी मैं बात करूँ ना तो इसके आसपास से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इसके आसपास हैं, 90 क्वेश्चन के आसपास हैं, और फीमेल कैंडिडेट अगर आप 85 क्वेश्चन के प्लस माइनस भी हैं, ठीक है, तो आप सिक्योर हैं यहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा। वीडो कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, वीडो और डिवोर्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 65 से 70 क्वेश्चन के हैं, ठीक है, 65 प्लस माइनस भी हैं आप, तो ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पे सिक्योर हैं। अगर आप एक सर्विस मैन हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो अगर आप 72 प्लस माइनस हैं तो आप सिक्योर हैं। फिजिकल हैंडीकैप की अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकल हैंडीकैप वाले मैं जहाँ तक मानता हूँ, तो आप यहाँ पे इसी के आसपास 70 के प्लस माइनस हैं तो आप सिक्योर हैं। अभी टेंशन मत लीजिएगा, अभी लोग जैसे जैसे आंसर की मैच कर रहे हैं ना, वैसे वैसे उन चीज़ों को लेकर के बहुत से बदलाव आ रहे हैं। तो जनरल कैंडिडेट अगर आप 205 के प्लस माइनस भी हैं तो घबराइए मत, फीमेल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले 200 के आसपास भी हैं तो अभी मत घबराइए। जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अब बात आती है सर, रीट का रिजल्ट आ चुका है, क्या इस पे इफेक्ट डालेगा? देखिए मेन रिजल्ट पे तो उनको पता नहीं, रिजल्ट को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये तो मशीनरी सिस्टम से होता है कि नहीं, लेकिन वेटिंग लिस्ट जो आएगी ना, वेटिंग लिस्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट ऐसे थे जिनके जीके और हिंदी इंग्लिश ये जो मेरिट को इफेक्ट कर रहे थे ना, ये यही लोग थे रीट वाले। तो अगर आपका वेटिंग में भी नंबर आ जाए, डेढ़ गुना के अंदर भी आप होते हो तो आप सिक्योर है ही है, ध्यान से समझिएगा, डेढ़ गुना में तो आप सिक्योर है ही है। बाकी वेटिंग लिस्ट में भी अगर आप आते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, तो घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और आराम से तैयार कीजिए, आराम से दिवाली मनाइए और चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते उतना कर दीजिए। जल्द ही हम आज 1 लाख फैमिली होने वाले हैं, एडवांस में आप सभी को बधाई हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी, जितना आप सपोर्ट कर सकते उतना कीजिएगा। बाकी इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा और आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आई वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।